केजरीवाल से जुड़ी हुई, जो आपको बता दें तिहाड़ जेल में आज सीएम केजरीवाल जो है वो सरेंडर कर सकते हैं। जेल प्रशासन की तरफ से सरेंडर को लेकर तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। जेल प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी, सीएम केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अंतरिम जमानत याचिका पर 5 जून को फैसला आएगा। जेल से पहले राजघाट, हनुमान मंदिर, पार्टी दफ्तर भी जाएंगे अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना पड़ेगा। जेल प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं सरेंडर करवाने की। सीएम केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली, जिसके बाद आज तिहाड़ जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो सरेंडर करने वाले हैं। अंतरिम जमानत याचिका पर 5 जून को जो है वो फैसला आना है। जेल से पहले बताया जा रहा है सरेंडर करने से पहले राजघाट जाएंगे अरविंद केजरीवाल, हनुमान मंदिर जाकर दर्शन करेंगे और पार्टी दफ्तर भी जाएंगे। अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई, जो आपको बता दें तिहाड़ जेल में आज सीएम केजरीवाल जो है वो सरेंडर कर सकते हैं। जेल प्रशासन की तरफ से सरेंडर को लेकर तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। जेल प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी, सीएम केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अंतरिम जमानत याचिका पर 5 जून को फैसला आएगा। जेल से पहले राजघाट, हनुमान मंदिर, पार्टी दफ्तर भी जाएंगे अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना पड़ेगा। जेल प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं सरेंडर करवाने की। सीएम केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली, जिसके बाद आज तिहाड़ जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो सरेंडर करने वाले हैं। अंतरिम जमानत याचिका पर 5 जून को जो है वो फैसला आना है। जेल से पहले बताया जा रहा है सरेंडर करने से पहले राजघाट जाएंगे अरविंद केजरीवाल, हनुमान मंदिर जाकर दर्शन करेंगे और पार्टी दफ्तर भी जाएंगे।